चौरी चौरा थाने की पुलिस ने पशु तस्कर गिरोह के शातिर अभियुक्त को मुठभेड़ में दो साथियों के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि रात्रि में सूचना प्राप्त हुई कि कुशीनगर से कुछ पशु तस्कर गोरखपुर आकर पशुओं की तस्करी करने वाले हैं, जिनको पकड़ने के लिए पुलिस संवेदनशील स्थानों पर चेकिंग कर रही थी। इसी बीच चेकिंग के दौरान एक बोलेरो व एक पिकअप गाड़ी चौकी सोनबरसा की तरफ आती दिखी, जहाँ पर उन्हें चेकिंग में लगे चौरी चौरा थाना प्रभारी द्वारा टीम के साथ रोका गया तो दोनों उक्त गाड़ियां वहां रुकी नहीं और डुमरी खास से छपरा मंसूर की तरफ भाग निकली, जिस पर चौरी चौरा पुलिस द्वारा दोनों गाड़ियों का पीछा किया गया तो उन्होंने भट्टे के पास कच्चे में गाड़ी को उतार दिया और पुलिस पार्टी जो पीछा कर रही थी उन पर फायरिंग करने लगे। पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में फायर किया, जिसमें एक अपराधी हरेंद्र यादव पुत्र मोतीलाल यादव निवासी बास टीला पांडे थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर के दाहिने पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया, जिसे तत्काल इलाज के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया दिया गया। इसके अलावा दो साथी अखिलेश चौहान पुत्र सुभाष चौहान निवासी बहादुरपुर थाना खुखंडू जिला देवरिया, दूसरा गौतम पुत्र शारदागौड़ निवासी ग्राम बासडीला पांडे थाना तुर्कपट्टी कुशीनगर को भी गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से एक देशी तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, एक बुलेरो गाड़ी, एक पिकअप गाड़ी को बरामद किया गया है। एसएसपी ने बताया कि तीनों अभियुक्तों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में चौरी चौरा थाना प्रभारी उमेश बाजपेयी, सोनबरसा चौकी प्रभारी विशाल उपाध्याय, उपनिरीक्षक आलोक सिंह, कांस्टेबल कुंवर विजय सिंह, अजय सिंह, प्रदीप कुमार, दीपक पटेल शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, आज रात्रि 10 बजे अपराधियों की धरपकड़ के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चेकिंग लगाई गई थी, जिसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समस्त थाना प्रभारियों द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चौकी सोनबरसा के पास थानाध्यक्ष चौरी चौरा चेकिंग कर रहे थे। लगभग 12:30 बजे के आसपास दो वाहन वहां से गुजरते हैं, जिनको रोकने का इशारा इनके द्वारा किया जाता है। उक्त वाहन वहाँ पर रोक न करके अपनी स्पीड बढ़ाकर और बाईं तरफ डुमरी रोड पर घूम जाते हैं। पुलिस पार्टी द्वारा इनका पीछा किया जाता है और थोड़ी दूर पीछा करने के उपरांत वो गाड़ी कच्चे पर उतार के और फायरिंग करने लगते हैं। पुलिस पार्टी भी आत्मरक्षार्थ फायर करती है, जिससे एक अपराधी के गोली लगती है, दो अन्य वाहन से गिरफ्तार किए जाते हैं। पूछताछ पर इन लोगों ने बताया कि ये पशु तस्कर हैं और गोरखपुर पशु तस्करी के लिए आए थे। उनके पास से एक तमंचा, 315 बोर, दो कारतूस और एक पिकअप वाहन और एक बोलेरो वाहन बरामद हुआ है। शेष अभियुक्त भागने में सफल रहे, जिनके लिए कॉम्बिंग और दबिश की कार्रवाई प्रचलित है। पशु तस्करों व अन्य जो अपराधी जिनका मूवमेंट हो रहा है, उसके लिए विशेष चेकिंग अभियान विगत 2 दिनों से चलाया जा रहा है। इसमें जो पशु तस्कर गाड़ियों से यहाँ पर आकर के पशु तस्करी का अपराध कारित करते हैं, उनकी विशेष रूप से चेकिंग की जा रही है। कल रात्रि में भी इस तरह की घटना प्रकाश में आई कि जब इनको बैरियर पर रोकने का प्रयास किया गया तो इनके द्वारा तेज गति से पुलिस कर्मियों को घायल करने की मंशा से गाड़ी वहां से भगाई गई, जिनका पीछा किया गया। वहीं पर मुठभेड़ भी हुई है, जिसमें कि 3 पशु तस्कर अरेस्ट हुए हैं, कुछ साथी इनके भागने में सफल हुए हैं। इससे पूर्व भी पुलिस द्वारा कार्रवाई पिछले दिन भी की गई थी। इस तरह की कार्रवाइयां करने के लिए सभी थानाध्यक्षों को और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, कहां कहां से किन किन रस्तों से इनका मूवमेंट होता है, और विशेष रूप से जो लोकल लोग इनकी मदद करते हैं, स्थानीय लोग जो इनकी मदद करते हैं, इनके सहयोगी हैं, उनकी भी पहचान करने के लिए बताया गया है। विगत 5 सालों में जितने भी ऐसी घटनाएं प्रकाश में आई हैं, उनमें कौन कौन अपराधी सम्मिलित रहे हैं, उनकी क्या क्या क्रिमिनल हिस्ट्री है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, उसको भी छांटा जा रहा है। इनके ऊपर गैंगस्टर, गुंडा व अन्य प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस तरह की घटनाएं पुनः द्वारा कारित ना हो या इस तरह की स्थितियां ना उत्पन्न हो, उसके लिए एक बृहद योजना अधिकारियों के समन्वय के साथ बनाई गई है और आने वाले दिनों में इसको लागू किया